नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल नॉलेज बीसीएम में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि इंस्पायर अवार्ड में आप किस प्रकार से अपने विद्यालय का पंजीयन कर सकते हैं, क्योंकि साथियों प्रति वर्ष विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड के लिए नामांकन फिलअप किया जाता है। तो विद्यार्थियों का नामांकन फिलअप करने के लिए इंस्पायर अवार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में सभी विद्यालयों को पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं किस प्रकार से आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन इंस्पायर अवार्ड के लिए कर सकते हैं यदि पहले से पंजीकृत नहीं है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उसके लिए क्या करना होगा साथियों, आपको कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेनी है, और ब्राउजर ओपन करने के बाद इस तरह से सर्च बार में जा करके आपको ये इंस्पायर अवार्ड आपको टाइप कर सर्च करनी है। जैसे ही आप इंस्पायर अवार्ड टाइप कर सर्च करते हैं तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस दिखाई पड़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको पहला ही लिंक दिखाई पड़ रहा है, इंस्पायर अवार्ड्स www.inspireawards-dst.gov.in। तो आपको इसी के ऊपर ही क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये वाला पेज आपको दिखाई पड़ जाएगा। फिर थोड़ा सा हम इस पंक्ति नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई पड़ता है नेशनल अथॉरिटी, स्टेट अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी और स्कूल अथॉरिटी। तो आपको ये स्कूल अथॉरिटी के नीचे में जो आपको ये आगे बढ़ने का साइन दिखाई पड़ रहा है, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस दिखाई पड़ जाता है, जहाँ पे कहता है कि वेलकम स्कूल अथॉरिटी। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा हम फिर से इस कलर के नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई पड़ रहा है प्लीज सेलेक्ट एनी वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो टू प्रोसीड, यानी कि आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से किसी एक का आपको चयन करना है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है टू लॉग इन, क्लिक हियर। इफ ऑलरेडी रजिस्टर्ड प्लीज लॉग इन टू द सिस्टम। अब क्योंकि हमको अभी नया रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई पड़ता है फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक हियर टू फिल ए रिक्वेस्ट टू रजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि प्रथम बार यदि आपका विद्यालय पंजीकृत नहीं है तो सबसे पहले एक बार आपको विद्यालय का पंजीयन जरूरी है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर देखिए, फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको क्लिक हियर दिखाई पड़ रहा है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो देखिए, यहाँ पे कहता है कि न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर स्कूल अथॉरिटी प्लीज इंटर 11 डिजिट स्कूल यू डाइस कोड या स्कूल कोड। तो यहाँ पे आपका विद्यालय का जो 11 डिजिट का वैलिड डाइस कोड है उसको इस तरह से आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब फिल करने के बाद देखिए, नीचे में आपको दिखाई पड़ता है सबमिट बटन, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो देखिए, आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई पड़ेगा जैसा स्क्रीन में आपको दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ता है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड यू वांट टू प्रोसीड फर्दर। तो आपको यहाँ पे दो की दिखाई पड़ता है, यस एंड नो। तो आपको यस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू स्कूल अथॉरिटी के लिए आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि टू बी फाइल्ड इन बाई द पार्टिसिपिंग स्कूल फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन अंडर द स्कीम प्लीज केयरफुली रीड एंड मेटिकुलसली ऑब्जर्व। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी जानकारी यहाँ पे आपको पूछी जा रही है उसको आपको सही सही प्रोवाइड करानी है। तो सबसे पहले कहता है पार्टिकुलर्स ऑफ स्कूल, स्कूल की जो बेसिक जानकारी है यहाँ पे फिल करनी है। सबसे पहला कहता है स्टेट या फिर यूटी, यहाँ से आपको अपना स्टेट चयन कर लेना है। इस तरह से स्टेट चयन करने के बाद फिर नीचे में अगला ऑप्शन कहता है कि कैटेगराइज स्कूल, तो यहाँ से आपको स्कूल की कैटेगराइज बतानी है कि वो जनरल है कि KVS स्कूल है कि JNV स्कूल है कि सैनिक स्कूल है। तो साथियों, ये तीनों में से यदि कोई स्कूल नहीं है तो आपको जनरल चयन करना है। फिर कहता है स्कूल बोर्ड, यानी कि आपका स्कूल किस बोर्ड से बिलोंग है, कि CBSE से है कि ICSE से है कि स्टेट बोर्ड है कि IB से है। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन जो दिया गया है उसका चयन कर लेनी है। फिर कहता है कि सेलेक्ट रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से आपको अपना रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेना है इस तरह से ड्रॉप आउट से। उसके बाद कहता है सेलेक्ट रिवेन्यू सब डिस्ट्रिक्ट, यानी कि तहसील, तालुका या फिर ब्लॉक। तो यहाँ से आपको चयन कर लेनी है ड्रॉप डाउन से जो भी आपके विद्यालय के लिए लागू होगा इस तरह से। फिर कहता है एजुकेशनल डिस्ट्रिक्ट, तो यहाँ पर देखिए रिवेन्यू डिस्ट्रिक्ट हो गया, यहाँ पे हो गया आपका एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पे चलिए हम एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट भी इस तरह से फिल कर लेते हैं। साथ ही हो सकता है कि कुछ एक आध जिलों के मामले में रिवेन्यू और एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट अलग अलग हो, अधिकांश
अधिकांश जिलों के मामले में आपका रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट यानी कि राजस्व जिला और सेंट्रल जिला दोनों सेम होगा। अधिकांश एक आपके मामले में ये अलग अलग हो सकता है। फिर कहता है कि नेम ऑफ द स्कूल, तो यहाँ से आपको ड्रॉप डाउन से अपना स्कूल चयन कर लेना है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यदि आपको आपके विद्यालय का नाम नहीं मिलता है तो अदर का चयन कर लेना है। और अदर का चयन करने के बाद यहाँ पे कहता है कि स्पेसिफाई स्कूल नेम, तो यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम फिल कर देना है इस तरह से। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि कंप्लीट पोस्टल एड्रेस, तो यहाँ पे आपको विद्यालय का जो पोस्टल एड्रेस है यहाँ पे आपको पूरा एड्रेस फिल कर देनी है। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पिन कोड, तो यहाँ पे आपको विद्यालय का पिन कोड फिल कर देना है। तो इस तरह से कंप्लीट पोस्टल एड्रेस पिन कोड फिल करने के बाद यहाँ पे कहता है ऑफिशियल फोन ऑफ स्कूल इफ एनी, यदि है तो आपको एसटीडी कोड सहित आपको फोन नंबर फिल कर देना है। फैक्स नंबर ये नहीं, यानी कि कोई फैक्स नंबर है तो भी आपको एसटीडी और फैक्स नंबर डाल देनी है। और यदि यहाँ पे आपके पास ये दोनों उपलब्ध नहीं है तो ये अनिवार्य फील्ड नहीं है। फिर यहाँ पे कहता है कि ईमेल एड्रेस ऑफ स्कूल अथॉराइज्ड ऑफिसर, तो यहाँ पे आपको एक स्कूल का वैलिड ईमेल आईडी फिल कर देनी है। यदि आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आपको एक ईमेल आईडी बना करके यहाँ पे फिल कर देनी है। और यह ईमेल आईडी आपका रनिंग मोड पे होना चाहिए, एक्टिव मोड पे होना चाहिए। फिर यहाँ पे कहता है कि वेब एड्रेस इफ एनी, यदि स्कूल का कोई वेबसाइट है उसका एड्रेस है तो यहाँ पे आपको फिल करना है, अन्यथा ये अनिवार्य सेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे कहता है मोबाइल नंबर ऑफ स्कूल अथॉराइज्ड ऑफिसर, तो यहाँ पे जो संस्था प्रमुख है उनका वैलिड 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको फिल कर देना है। तो ये जानकारी फिलअप करने के बाद यहाँ पर देखिए रेड कलर में जो आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है, इस कैप्चा कोड को आपको हूबहू यहाँ पे फिल कर देनी है। यानी कि जहाँ पे आपका डिजिट रहेगा वहाँ पे आपको डिजिट फिल करना है, और कैरेक्टर रहेगा वहाँ पे आपका कैरेक्टर, चाहे वो स्मॉल हो या फिर कैपिटल, तो इस तरह से आपको फिल कर देनी है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पे जो भी बेसिक जानकारी इस विद्यालय की चाही गई है उसको आपको यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यह आपसे पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव द इन्फॉर्मेशन, तो आपको ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे कहता है कि इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि आपकी जो जानकारी थी वह सफलतापूर्वक सुरक्षित हो गई है। फिर आपको यहाँ ओके पे क्लिक करते हैं, सामने इस तरह से पेज दिखाई पड़ जाता है जिसमें कहा जाता है कि इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं उसके बाद देखिए यहाँ साथियों कुछ और प्रश्न हमसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर न्यू स्कूल अथॉरिटी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब लोकेशन डिटेल आपसे मंगा जा रहा है। पहले आपसे स्कूल डिटेल मंगा गया, अब आपसे लोकेशन डिटेल मंगा जा रहा है। तो यहाँ पे कहता है कि सिटी क्लासिफिकेशन, तो यहाँ से आपको सिटी क्लासिफिकेशन बता देना है कि रूरल है कि अर्बन है कि सेमी अर्बन है। यानी कि सेमी अर्बन का मतलब होता है अर्ध शहरी, और रूरल मतलब ग्रामीण, और अर्बन मतलब शहरी। तो ये आपको बता देनी है। फिर स्कूल कैटेगरी में आपको बता देनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का है कि लोकल बॉडी का है कि प्राइवेट एडेड है कि प्राइवेट अनएडेड है कि अदर है। तो यहाँ पर देखिए चूंकि ये स्टेट गवर्नमेंट का है तो यहाँ पे हमने स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद देखिए हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह है आपका लेवल ऑफ द स्कूल। तो यहाँ से आपको बताना है कि स्कूल का लेवल क्या है, कि मिडिल है कि सेकेंडरी है कि हायर सेकेंडरी है कि सीनियर सेकेंडरी है। तो इस प्रकार से ये सेकेंडरी को हमने चयन कर लिया। फिर कहता है कि नेम ऑफ इंक्रूमेंट हेडमिस्ट्रेट या फिर हेड मास्टर या फिर प्रिंसिपल या फिर स्कूल इंचार्ज जो भी है, यहाँ पे आपको उनका पूरा नाम फिल कर देना है। चलिए हम यहाँ पे जल्दी से उनका नाम फिल कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद ये बेसिक जानकारी जो लोकेशन डिटेल है इसको आपको फिलअप करने के बाद पुनः साथियों यहाँ पे आपको दिया गया है सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको इसके ऊपर फिर से क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो पुनः आपसे ये कंफर्मेशन मांगता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव इन्फॉर्मेशन, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने फिर से हमारे सामने एक मैसेज आ जाता है कि इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर कहा जा रहा है कि ब्रीफ अबाउट द स्कूल, यानी कि स्कूल के बारे में कुछ ब्रीफ यहाँ पे पूछा जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि क्लासेस फ्रॉम, यानी कि जो क्लास है कहाँ से शुरू होता है, तो यहाँ पे आपको बता देनी है कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ से कहाँ तक, इस तरह से।
फिर यहाँ पे कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल, यानी कि वर्तमान में स्कूल में कितने विद्यार्थी अध्ययनरत है, यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। फिर कहता है कि आउट ऑफ द एबव टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेस 6 से 12 है, यानी कि यहाँ पे जितना आपने संख्या यहाँ पे फिलअप किया हुआ है कि उसमें से कितने विद्यार्थी जो है आउट हो चुके हैं, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे फिल कर दिया। फिर कहता है कि टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल आर क्लासेस, यहाँ पे आपने जितना क्लासेस का चयन किया हुआ है उसमें यहाँ पे कुल कितने टीचर्स हैं उस विद्यालय में वर्तमान में कार्यरत, उसकी संख्या यहाँ पे आपको फिल कर देनी है इस तरह से। क्योंकि वर्तमान में इस विद्यालय में शिक्षक कार्यरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 फिल कर दिया है। फिर कहता है कि आउट ऑफ द एबव नंबर ऑफ साइंस टीचर, वर्तमान में वहां पे कितने साइंस टीचर है इस तरह से, तो उसकी संख्या यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। यहाँ पे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे संख्या दे दी है 4, तो 4 में से साइंस टीचर कितने हैं उसकी संख्या यहाँ पे आपको बता दे रही है कि मान लीजिए 1 है तो 1, 2 है तो 2। फिर ये आपसे पूछता है कि साइंस लैब इन द स्कूल, क्या स्कूल में साइंस लैब है तो यस पे क्लिक करें, अन्यथा आपको नो पे क्लिक करना है इस तरह से। जैसे ही नो पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ जाता है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इंटर द कोड डिस्प्लेड अबव, यहाँ पे जो रेड कलर में आपको कैप्चा कोड दिखाई पड़ रहा है उस कैप्चा कोड को नीचे के डिब्बे में आपको हूबहू वैसे ही फिल कर देनी है। तो इस तरह से साथियों यहाँ पे पूरी जानकारी फिलअप करने के बाद पुनः नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ता है सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको इसके ऊपर ही क्लिक करना है। तो जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं हमसे फिर से कंफर्मेशन पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव द इन्फॉर्मेशन, पुनः आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो पुनः हमारे सामने एक नई स्क्रीन एक नए डिस्प्ले दिखाई पड़ जाता है, जैसा आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। तो इस तरह से पुनः मैसेज आता है कि इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं पुनः हमारे सामने इस तरह से मैसेज दिखाई पड़ जाता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिटेल ऑफ ऑथराइज्ड पर्सन हु हैज फिल्ड द फॉर्म, यानी कि इस फॉर्म को जिसने फिलअप किया है उसका यहाँ पे आपको नाम, उनका पदनाम और उनका कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे आपको, तो इस तरह से साथियों जिन्होंने फॉर्म फिलअप किए हैं उनका नाम, उनका पदनाम, यहाँ पे उनका कॉन्टेक्ट नंबर फिल करने के बाद नीचे में फिर से आपको दिया गया सेव एंड नेक्स्ट है, तो इस बटन पे पुनः आपको क्लिक कर देनी है। तो फिर से आपसे कंफर्मेशन मांगता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सेव द इन्फॉर्मेशन, पुनः आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पुनः ओके पे क्लिक करते हैं तो फिर से हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है कि इन्फॉर्मेशन हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से मैसेज दिखाई पड़ जाता है कि इसमें देखिए आपको दिखाई पड़ जाएगा कि थैंक यू स्कूल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कम्प्लीटली सक्सेसफुली एंड योर एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ जाएगा। और साथ ही यहाँ पे आपको यहाँ पे कहता है कि प्लीज रिव्यू द इंटर्न डिटेल एंड फॉरवर्ड इट टू डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी फॉर इट्स अप्रूवल, यानी कि इसको अप्रूवल करने के लिए आपको इसको डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को क्या करनी है, सेंड कर देनी है। और यदि आपको इसमें कुछ लगता है कि कुछ यहाँ पे कुछ त्रुटि है तो यहाँ पर देखिए हर सेक्शन में आपको एडिट का ऑप्शन दिया गया है, उस एडिट पे क्लिक करके आप इसमें कुछ करेक्शन या फिर चेंजेस कर सकते हैं। और आपको लगता है कि जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है वो बिल्कुल सही है तो सीधा नीचे में देखिए आपको दिखाई पड़ता है, यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ता है कि फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसा कि मैंने बताया है कि साथियों यहाँ पर हर सेक्शन में आपको इस प्रकार से एडिट का ऑप्शन दिया गया है, यदि आप इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो एडिट पे क्लिक करके पुनः उसमें करेक्शन कर सकते हैं। और आपको लगता है कि यहाँ पर जो भी जानकारी दी गई है बिल्कुल सही है तो यहाँ पे आपको ये फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही हम फॉरवर्ड फॉर अप्रूवल के ऊपर क्लिक करते हैं ये हमसे पुनः परमिशन मांगता है कि आर यू श्योर यू वांट टू फॉरवर्ड द एप्लीकेशन, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक पॉपअप मैसेज आ जाता है कि थैंक यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड एंड फॉरवर्डेड सक्सेसफुली टू डीए फॉर अप्रूवल, यानी कि डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड कर दिया गया है। फॉर रिफरेंस पर्पस प्लीज जनरेट द एक्नॉलेजमेंट, तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। और ओके पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको जनरेट एक्नॉलेजमेंट दिखाई पड़ रहा है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो इस तरह से आपके सामने ये एक्नॉलेजमेंट
डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाई पड़ जाता है कि एप्लीकेशन फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन एज स्कूल अथॉरिटी, यहाँ पे स्कूल का नाम और यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कोड, स्कूल का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह आपको दिखाई पड़ जाता है। तो इन फीचर के लिए इसको आपको प्रिंट करा करके अपने पास सुरक्षित रख लेनी है। तो आई होप साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो इस प्रकार से साथियों वीडियो में बताए गए प्रोसेस के अनुसार से आप अपने विद्यालय का इंस्पायर अवार्ड के लिए आसानी से रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी जो आपने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड किया हुआ है उसमें एक आईडी और पासवर्ड आपको सेंड कर दिया जाएगा और उसी आईडी और पासवर्ड के थ्रू आपको लॉग इन करके अपने विद्यालय के विद्यार्थियों का इंस्पायर अवार्ड के लिए नामेशन करना है। तो आई होप साथियों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक लगा होगा। तो फिर मिलते हैं साथियों इसी प्रकार की नई जानकारी नए वीडियो के साथ। तब तक के साथियों जय जोहार, नमस्कार।